हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक, वेलकम टू द एविएशन कैरियर माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं HSSC की जॉब डेट्स के बारे में। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से यहां पे SI सब इंस्पेक्टर के लिए अपडेट आया हुआ है 2021 के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 465 आया हुआ है। सो इस अपडेट के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन से लेकर के अप्लाई करने तक के प्रोसेस के बारे में ब्रीफ में बताने वाला हूँ उस वीडियो में। सो वीडियो को बिना स्किप किए और टिल इन तक देखें एंड वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में फ्रेंड्स, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल या अपने रिलेटिव में भी शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। फ्रेंड्स, अगर आप न्यू व्यूअर हो, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहे। इस चैनल पे आपको एयरलाइंस इंडस्ट्री, डिफेंस सर्विसेज एंड गवर्नमेंट का जितने भी लेटेस्ट जॉब रेट आते हैं उसके बारे में वीडियोज एंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाया करेगा डेली बेसिस पे। सो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर एनी डिले मूव करते हैं इस अपडेट्स की ओर एंड इसके बारे में जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग ब्रीफ में समझते हैं, साथ में इसको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस अपडेट के रिगार्डिंग पहले हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है और क्या स्किल्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है। देन मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है एंड इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बात करते हैं इसका अप्लीकेशन डेट के बारे में। इसको अप्लाई करने के लिए जो डेट स्टार्ट हो रहा है वो 19 जून 2021 से हो रहा है एंड इसका जो लास्ट डेट रखा गया अप्लाई करने के लिए वो 2 जुलाई 2021 तक रखा गया है। क्लोजिंग डेट फॉर द डिपॉजिट ऑफ फी 6 जुलाई 2021 तक आप इसका फ़ी डिपॉजिट कर पाएंगे। वहीं अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अप्लीकेशन फ़ी जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़, जनरल फीमेल्स के लिए 75 रुपीज़, SC ST BC एंड EWS मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 रुपीज़ एंड SC BC एंड EWS फीमेल्स के लिए ओनली 18 रुपीज़। पे थ्रू द ऑनलाइन मोड, आप इसको ओनली ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हो। वहीं पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है फॉर द रिलैक्सेशन सी नोटिफिकेशन। मीन्स आपको इसके ऊपर, एज के ऊपर रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा आप किस कैटेगोरी से आते हो कैटेगोरी के अकॉर्डिंग। और इसको भी अगर आप हरियाणा से भी, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो हरियाणा के अलावा, तब इसको अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो किसी भी स्टेट से हो। बट आप अगर आप किसी और स्टेट से हो तो यहाँ पे आपको एज के ऊपर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ओनली हरियाणा के रहने वाले कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे एज के ऊपर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसको मेल एंड फीमेल बोथ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 465 आया हुआ है। यहाँ पर पोजीशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट एंड मैट्रिक विथ हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ हायर। वही वैकेंसीज को यहाँ पर कैटेगोरी वाइज डिवाइड किया गया, कौन से कैटेगोरी के लिए कितने वैकेंसीज आए हुए हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगोरी के लिए 144 वैकेंसीज है मेल के लिए एंड फीमेल के लिए 24 वैकेंसीज है। SC के लिए 72 मेल के लिए एंड फीमेल के लिए 12 वैकेंसीज है। BCA के लिए यहाँ पे मेल के लिए 56 वैकेंसीज है एंड फीमेल्स के लिए 9 वैकेंसीज है। BCV के लिए मेल्स के लिए 32 वैकेंसीज है एंड फीमेल के लिए ओनली 5 वैकेंसीज है। EWS के लिए 40 वैकेंसीज है एंड फीमेल्स के लिए यहाँ पे ओनली 6 वैकेंसीज है। एंड ESM जनरल के लिए यहाँ पे 28 वैकेंसीज है मेल स्टूडेंट्स के लिए एंड फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ओनली यहाँ पे 5 वैकेंसीज आया हुआ है। देन ESM SC के लिए यहाँ पे मेल्स के लिए ओनली 8 वैकेंसीज है, फीमेल्स के लिए 1 वैकेंसीज है। एंड ESM BCA के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसीज है मेल स्टूडेंट्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए यहाँ पे ओनली 1 वैकेंसीज है। एंड ESM BCB के लिए मेल्स के लिए यहाँ पे 12 वैकेंसीज है एंड फीमेल्स के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। मीन्स टोटल मेल कैंडिडेट्स के लिए 400 वैकेंसीज है एंड टोटल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 65 वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 465 आया हुआ है। फ्रेंड्स, फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो फिजिकल मेजरमेंट के लिए यहाँ पे हाइट जो रिक्वायर्ड किया जा रहा है मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 158 सेंटीमीटर।
चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए 83 टू 87 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड किया जा रहा है, फीमेल्स के लिए यहाँ पे कोई भी अप्लीकेबल नहीं है। वहीं पे फिजिकल स्क्रीन टेस्ट की बात करें पीएसटी की, तो रन मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे 2.5 किलोमीटर रन करना है 12 मिनट्स में, एंड फीमेल स्टूडेंट्स को 1 किलोमीटर रन करना है 6 मिनट्स में। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, एंड डाउनलोड करने के बाद इस नोटिफिकेशन को डिटेल में बारीकी से पढ़ें, देन इसको अप्लाई करें। इस नोटिफिकेशन में जो भी छोटे छोटे टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं, ऑल टर्म एंड कंडीशन को भी आपको बारीकी से रीड करना है, देन इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस अपडेट के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस थे मैंने आप लोगों से सिंपल वे में शेयर कर दिया है। इसके अलावा आप कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि आप एक एक कमेंट का रिप्लाई करूं। अदरवाइज आप चाहे तो मुझे मेल लिख सकते हो, मेरा ईमेल आईडी है theaviationcarrier@gmail.com। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।